हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप सो यू ऑल आर फाइन। सो टुडे वी विल रीड ए लेसन, व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स। बच्चों, आज हम एक पैक्ट विद सन, हमारी बुक है, उसका लेसन पढ़ेंगे, व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स। आपको पता है रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंगने वाले जीव होते हैं। सो टेल मी वन थिंग, डिफरेंस बिटवीन लिजार्ड, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। क्या मुझे रेप्टाइल्स को समझने से पहले एक बात बता सकते हैं कि छिपकली में, इंसानों में और पशुओं में क्या अंतर होता है? आई होप सो सम स्टूडेंट्स नो अबाउट दिस। सो मैं आपको बताती हूँ कि लिजार्ड है वो बटे रेंग के चलती है, लिजार्ड होता है छिपकली, और इंसान दो पैरों पे चलता है, और जो हमारे जानवर हैं वो चार पैरों से चलते हैं, उनके हाथ नहीं होते। और इनमें डिफरेंस तो बहुत कुछ है, वो आगे हम इसमें पढ़ेंगे। और ये हमारी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमें एक बहुत अच्छा मोरल देती है। ए पैक्ट विद सन हमारी बुक में जितनी भी स्टोरीज हैं वो हमें कोई ना कोई मोरल देती हैं। व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स इज रिटन बाय जय विटकर। जय विटकर एक इंडियन राइटर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी इन्होंने हमें दी है, बहुत सारी, और बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं। मैनेज टू ग्रैब ए फ्यू क्लॉथ्स, सम कॉइन्स, माई लिटिल गणेश स्टैचू एंड आई नो। मैंने जल्दी से लपक कर कुछ कपड़े, कुछ सिक्के, अपना छोटा सा गणेश की मूर्ति ली और मैं भाग गया। आई रैन फॉर ए डे एंड ए नाइट, और मैं एक दिन और रात भागता ही रहा, रेस्टिंग व्हेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर। और मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया और मेरे पैर ऐसे हो गए कि वह मुझे आगे ले जाने के लायक रहे ही नहीं रहे, कि मैं बहुत ज्यादा थक गया। आई जम्प्ड ऑन ए ट्रेन देन ऑन ए बस। पहले मैं एक भाग के कूद के एक बस में चढ़ा और उसके बाद एक बस में चढ़ा। नो टिकट, नेवर माइंड, कोई बात नहीं कि मेरे पास इसके लिए टिकट भी नहीं थी। एवरीवन सीम्ड टू बी, सब कोई भाग रहा था। फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पद्मपति। और फाइनली होता है भाई, आखिर में मैं पद्मपति में पहुंच गया, मैंने अपने आप को वहां पाया। एंड आई सॉ सम विलेजर्स गैदर्ड नियर ए वेल, और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग एक कुएं के नजदीक इकट्ठे हो गए थे। आई रैन टू देम एंड बिफोर आई कुड से ए थिंग आई फेल्ट, मैं भी उनकी तरफ भागा, और जैसे ही मैं कुछ कहता उससे पहले मैं बेहोश हो गया। फेल्ट होता बेहोश होना। व्हेन आई ओपन्ड माई आईज, जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, आई सा एन ओल्ड मैन विथ वाइट हेयर, वाइट ब्रेड एंड शाइनिंग ब्लैक आईज बेंडिंग ओवर मी। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल सफेद थे, दाढ़ी सफेद थी और उसकी काली आंखें चमक रही थी, वो मेरी तरफ झुका हुआ था। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज ही लुक आफ्टर मी, अगले कई दिनों तक उसने मेरी देखभाल की, पुटिंग फूड इन माई माउथ एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट्स।
कूल वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम। कई दिनों तक उसने मेरे को खाना खिलाया, मेरे मुंह में खाना डाला, मुझे पीने के लिए ठंडा और मीठा पानी लेके आया। झरने में से, स्ट्रीम होता है झरना। ही रब्ड माई फीट जेंटली एंड मेड द पेन गो अवे। उसने बहुत ही प्यार से, आराम से मेरे पैरों को रगड़ा, मसलियाँ उनको रगड़ना, रब उतर रगड़ना एंड और उससे मेरा सारा दर्द चला गया। नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, एवरीवन केम टू विजिट। नेबर्स होता है पड़ोसी और स्ट्रेंजर होता है अजनबी। सभी मेरे से मिलने के लिए वहां पर आए। एवरीवन होता है प्रत्येक। टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे। जो बूढ़ा आदमी था, मैंने उसको कहा, दादाजी आप मुझे बताएं। एक दिन मैंने उससे पूछा, आई हैड नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हेयर इन माई विलेज। पीपल फाइट विद दोस्त हु प्रे टू अनदर गॉड। मैंने तो ऐसे लोग कहीं नहीं देखे जैसे इस गांव में है। मेरे गांव के लोग तो आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, और किस बात पे लड़ाई झगड़ा करते थे, क्या तुम दूसरे भगवान की पूजा क्यों करते हो। बट है दिस सिम्स ए वेरी स्ट्रेंज प्लेस, लेकिन ये तो एक बहुत ही अद्भुत जगह है। प्रेम, रिप्लाइड द ओल्ड मैन। प्रेम ने बूढ़े आदमी को उत्तर दिया, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ बेम्बू पत्ती। मैं तुम्हें बेम्बू पत्ती की कहानी सुनाऊंगा। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज। उसने कहा कि तुम्हें अब तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, लेकिन जब मैं तुम्हें इस बेम्बू पत्ती गाँव की कहानी सुनाऊंगा तो तुम वापस अपने गाँव चले जाओगे। मे इट विल बी हील सम ऑफ इट वाउंड्स। उसने उसके कुछ घावों पर दवाई लगाई, हील किया, कुछ ठीक हो गए एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स। और कुछों का, कुछ जो सूख गए उनका दर्द चला गया। जैसे अब कई दिन हो गए थे तो उसके गांव सूखने लग गए थे। ओ ग्रैंडफादर, ओ दादाजी, आई सेड एंग्जियसली, मैंने चिंता में कहा, डोंट से दैट, ऐसा मत कहो। बट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक मी बर्न विथ शेम। आपने देखा है मेरे गांव में तो मुझे जला दिया था विथ शेम। कितनी शर्म की बात है। आई नेवर नेवर वॉन्ट टू गो बैक देयर। और मैं वहां पर वापस कभी नहीं जाना चाहता। बट दैट्स एग्जैक्टली भाई, यू मस्ट गो बैक, ही सेड इन ए सॉफ्ट वॉइस। वो फिर क्या कह रहा है, लेकिन एग्जैक्टली होता है बिल्कुल ठीक है कि वो यूं कह रहा है, निश्चित रूप से, एग्जैक्टली निश्चित रूप से, कि तुम जब मैं तुम्हें वो बताऊंगा तो तुम निश्चित रूप से चले जाओगे, ही सेड इन, उन्होंने एक विनम्र आवाज में कहा। आई केप क्वाइट, मैं चुप रह गया। आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विद हिम। आर्ग्यू होता है बहस करना, मैं उनके साथ कोई बहस नहीं करना चाहता था। एंड आई वॉन्टेड टू हियर हिज स्टोरी, और मैं उनकी इस कहानी को सुनना चाहता था। वेरी वेरी लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है, देर वॉज नो एनिमल इन बेम्बू पत्ती। बेम्बू पत्ती गाँव में कोई भी जानवर नहीं था, ओनली रेप्टाइल्स। और सिर्फ वहां पर क्या थे, रेप्टाइल्स थे। रेप्टाइल्स क्या होता है, जो जीव रेंग के चलते हैं, क्रॉल करके चलते हैं, मतलब सीधे खड़े नहीं होते। और रेप्टाइल्स कौन कौन से होते हैं, लाइक स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल्स,
हैड ए मीटिंग एवरी मंथ, और वो सभी हर महीने एक बैठक करते थे। देयर लीडर मकरा वुड चेयर द मीटिंग, और जो उनका लीडर था, उनका नेता था, वो कौन था? मकरा। और मकरा इसमें जो मगरमच्छ है उसका नाम है, और वो मीटिंग करता था, वो उनका नेता था। मिस यूजिंग हिज पावर, वो अपनी पावर का मिस यूज करता था, उसको व्यर्थ प्रयोग करता था। मकरा ऑर्डर द टोर्टोइस, मकरा ने टोर्टोइस कछुए को आदेश दिया, एंड स्नेक टू लीव द फॉरेस्ट, और उसने कहा कि भाई कहो कि सांप जंगल छोड़ के चले जाए। इट हैपन्ड ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम में, इस बात को बहुत लंबा समय हो गया। ही बिगेन, उसने शुरू किया, सो लॉन्ग एगो दैट देयर वर नो स्कूल नो टीचर, बहुत लंबे समय तक वहां पर ना तो स्कूल था ना टीचर थे। चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स विद देयर पेरेंट्स एंड हेल्प देम टू कलेक्ट फ्रूट बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट, बहुत लंबे समय तक वहां पे कोई स्कूल नहीं थे, बच्चे हैं वो अपने माता पिता के साथ गुफा में रहते थे, और उनकी फल और बेर तोड़ने में जंगल से उनकी मदद करते थे। केव होता है गुफा। एट दैट टाइम, उसी समय देर वाज नो टाइगर और ए पैंथर और ए एलिफेंट इन पेम्बुपत्ती फॉरेस्ट, उस समय पेम्बुपत्ती के जंगल में ना कोई चीता था, ना कोई शेर था, ना कोई हाथी था, कोई भी जानवर नहीं था। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स, वहां पर केवल रेंगने वाले जीव थे। मेनी काइंड ऑफ रेप्टाइल्स, और वे भी कई प्रकार के थे, कैसे कछुआ भी था, मगरमच्छ भी था, छिपकली भी थी, और उसी प्रकार के दूसरे जीव भी थे। मेनी काइंड ऑफ रेप्टाइल्स, कई प्रकार के रेंगने वाले जीव। नाउ यू नो दैट व्हाट रेप्टाइल्स आर, अब तुम रेप्टाइल्स के बारे में जानते हो, पता है क्या होते हैं? व्हाट रेप्टाइल्स आर? स्नेक, सांप, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, टर्टल, कछुआ, लिजर्ड, छिपकली, ये सारे जीव जंगल में थे। एंड यू नो दैट ए रेप्टाइल हैज ए स्केल ऑन इट्स बॉडी एंड इट्स ले, और रेप्टाइल्स होते क्या है, इनका कोल्ड ब्लड होता है, ठंडा खून होता है इनका, और इनके शरीर पर निशान होते हैं, चितके बने होते हैं, एंड इट ले एग्स, और ये अंडे देते हैं। एवरी मंथ द रेप्टाइल्स ऑफ पम्बुपत्ति हैड ए बिग मीटिंग, और हर महीने जो रेप्टाइल्स थे ये एक बहुत बड़ी बैठक करते थे। एवरी वन केम, और वहां पर सभी आते थे उस मीटिंग में, किसी को भी ये नहीं था कि भाई कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा, सबको जाना जरूरी था। द प्रीटी एक्साइटेड स्नेक, एक्साइटेड होता उत्साहित, जो प्यारे से सांप थे उत्साहित थे। द स्लो थॉटफुल टॉर्टोइस, द क्लेवर क्विक लिजार्ड, क्या है स्नेक को कहा गया है? प्रीटी एक्साइटेड, के बहुत ही प्यारा सा और एक्साइटेड होता है किसी चीज के लिए। एक्साइट होना मतलब ध्यान देना और इच्छुक होना किसी चीज का। स्लो थॉटफुल, थोड़ा कम सोचने वाला कछुआ। क्लेवर क्विक लिजार्ड, क्लेवर होता चालाक, जल्दी से चालाकी करने वाली छिपकली। एंड द मूडी क्रोकोडाइल, और मूडी होता है जिसका अपना खुद का नेचर हो, भाई जैसा उसका मन करे वो वैसा ही करेगा। ग्रम्पी, बिकॉज ग्रम्पी होता है गुस्से वाला, बिकॉज दे वर आउट ऑफ द वाटर, और जब भी वो बाहर निकलता पानी से तो गुस्से में ही निकलता था। द प्रेसिडेंट,
ऑफ दिस मीटिंग वाज मकरा। और प्रेसिडेंट होता है अध्यक्ष, किसी चीज का मुखिया, और वो कौन था? मकरा, वही सबकी मीटिंग करता था। द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट, इस जंगल का सबसे बड़ा मगरमच्छ, और क्या नाम था उसका? मकरा। ऑल द एनिमल थॉट, सभी पशु सोचते थे, ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेन समवन इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, उन सब के दिमाग में क्या था? वो सभी क्या सोचते थे कि भाई ये ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा ताकतवर है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। यू नो, तुम्हें पता है, इट इज डिफिकल्ट नॉट टू गो अलोंग विद, इसके साथ बट ही सेज ऑर्डर, के भाई इसका मुकाबला करना, ये इसके साथ टक्कर लेना, ये क्या कहता है, ये क्या करता है, बहुत ही मुश्किल काम है। नाउ वन डे स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, एक दिन बहुत ही अजीब बात हुई। इट वॉज ए वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग, जो उनकी महीने की जो मीटिंग होती थी उससे एक हफ्ता पहले की बात है। मकरा सेंट ए लेटर टू द टॉर्टोइस, मकरा ने एक पत्र भेजा कछुए के पास। Asking them, not to come to the meeting. मकरा ने पत्र भेजा कि तुम मीटिंग में नहीं आओगे। किसके पास? कछुए के पास। आहिस्ते, किसका नाम था? कछुए का नाम था आहिस्ते, द बिग ओल्ड स्टार टॉर्टोइस, जो सबसे बड़ा और बड़ी इसका भी था और सबसे बड़ा था, तो और सबसे ताकतवर था, जो भी कछुए थे उनमें, तो उसको विद ब्लैक एंड येलो पिक्चर्स ऑन इट शेल, उसकी आंखों में काली और पीली तस्वीर घूमने लगी। मतलब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया जब उसे पता चला कि भाई मुझे मीटिंग में नहीं जाना। वाज वेरी एंग्री, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है? ही शाउटेड, भाई उसको मीटिंग में यू कह दिया, तेरे को तो मीटिंग में आना ही नहीं, तो उसने उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा क्या मतलब है इस बात का? ही शाउटेड, वो चिल्लाया, हाउ डेयर दे, ऐसे कैसे उनकी हिम्मत हो गई। बट नॉट वन ऑफ द टॉर्टोइस हैड द करेज टू अटेंड द मीटिंग, लेकिन उनमें से किसी की ऐसी हिम्मत नहीं थी कि वो जाके, कोई भी कछुआ जाके मीटिंग अटेंड कर सके, उस मीटिंग में जा सके। देयर वर सो फ्यू, उनमें से कुछ एक, द अदर सो मैनी, और दूसरे बहुत ज्यादा, जो ऐसे तो कुछ एक थे भाई जो जाना चाहते थे, और ऐसे बहुत ज्यादा थे जो नहीं जाना चाहते थे। बिफोर द मीटिंग, लेकिन मीटिंग से पहले, द जाइंट मकरा पॉलिश्ड हिज टीथ, मीटिंग में मतलब बैठक में जाने से पहले मकरा ने अपने दांतों को पॉलिश कर लिया, मतलब उन पे पॉलिश कर दी, जैसे हम किसी चीज पे पेंट कर देते हैं या पॉलिश कर देते हैं उस तरह से। विद द रेड फ्लावर ऑफ द ट्री, पेड़ के लाल फूलों से, और फिर वो उसके दांत बिल्कुल लाल चमकने लगे। बाय द रिवर टिल दे स्पार्कल्ड, के स्पार्कल्ड होता है चमकना, जैसे नदी चमकती है उस तरह से उसके दांत चमकने लगे, जैसे खून की नदी, मतलब उसमें खून लगे हुआ जैसे मुंह चमकता है, उस तरह से उसके दांत से चमकने लगे। एवरी वन वाज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस, और प्रत्येक मीटिंग स्थल पर उसको का इंतजार करने लगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई बहनों, ही बिगेन, उसने बोलना शुरू किया, जैसे भी कोई मुखिया मीटिंग में बोलता है, उसने कहा भाइयों और बहनों, ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबरा स्टॉप टॉकिंग। मकरा कंटिन्यूड,
जो सभी रेप्टाइल्स थे, जो सभी रेंगने वाले जीव थे, इवन द किंग कोबरा क्या होता है, जो सांप की प्रजाति का सबसे मुख्य सांप, उनका मुखिया, उसने भी बोलना बंद कर दिया। मकरा कंटिन्यूड, वो लगातार बोलता रहा हिज स्पीच, अपने भाषण को। आई हैव डिसाइडेड दैट, मैंने निश्चय किया, दैट वुड नॉट नीड द टॉर्टोइस, मैंने निश्चय किया कि अब हमें कछुओं की जरूरत नहीं है। आई हैव टोल्ड देम, मैंने उनको कह दिया है, नॉट टू कम टूडे, आज तुम नहीं आओगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, व्हाई वी डू नॉट लाइक द टॉर्टोइस, कि मैं कछुओं को क्यों नहीं पसंद करता हूँ। द रेप्टाइल्स लुक्ड दिस वे एंड दैट, वे इधर उधर, मतलब बाकी के सभी जो रेंगने वाले जीव थे इधर उधर देखते रहे। दे फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, और उन्हें बहुत ही असहाय महसूस हो रहा था। ये कंफर्टेबल का अपोजिट वर्ड होता है अनकंफर्टेबल। द स्नेक हिस्ट एंग्जियसली, जो सांप है वो गुस्से में हिस्ट होता है, सांप की आवाज होती है हिस्ट, और वो गुस्से में फुफा रहा था। द लिजर्ड रिगल्ड, देयर टेल्स छिपकलियों की पूंछ, रिगल्ड होता है छुटकारा पाना, उसे छुटकारा मिला। द क्रोकोडाइल ओपन्ड देयर जॉ, उन्होंने अपना जबड़ा ऊपर किया, जैसे हम जवाई लेते हैं, इवन वाइडर, मतलब अपने मुंह को बहुत चौड़ा खोला, किसने, क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने। बट सेट वन लिटिल लिजार्ड, लेकिन एक छोटी छिपकली ने कहा, नो बर्ड्स, शाउटेड मकरा। जब वो कुछ बोलने लगी तो मकरा ने कहा, चिल्लाकर कहा, नो बर्ड्स, कोई किंतु परंतु नहीं। देर वाज साइलेंस, और वो बेचारे चुप हो गई। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, सैड ए बेबी क्रोकोडाइल, एक छोटे से बेबी क्रोकोडाइल होता है बच्चा मगरमच्छ, नो आई थिंक, फिर उसने कहा, नहीं मैं नहीं सोचता। स्क्रैम मकरा, नहीं मैं नहीं सोचता, मकरा चिल्लाया, स्क्रैम तो होता है चीखना, सो लाउडली, बहुत तेजी से, बहुत जोर से, दैट द फ्रूट इन द ट्री अबोव हिम रेन डाउन, वो इतनी जोर से चिल्लाया कि पेड़ से फलों की बारिश हो गई, पेड़ से फल गिरने लगे। आफ्टर दैट, उसके बाद, नो वन हैड द करेज टू स्पीक, और उसके बाद किसी की का बोलने का उत्साह नहीं हुआ, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जो मकरा के सामने बोल सके। करेज होता है उत्साह। मकरा क्लियर्ड हिज थ्रोट, मकरा ने अपना गला साफ किया। शॉर्ड ए फ्यू मोर टीथ, और उसने दोबारा फिर अपने दांत दिखाए। वेल ही सेड, अच्छा उसने कहा, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, व्हाई डोंट यू लाइक द टॉर्टोइस, के हमें कछुए क्यों नहीं पसंद है। दे आर सो स्लो, क्योंकि वे बहुत ज्यादा स्लो हैं, बहुत धीरे हैं, सो स्टूपिड, बहुत मूर्ख हैं। दे इवन कैरी देयर हाउसेज ऑन देयर बैक्स, और वे अपने घरों को अपनी पीठ पर लेके घूमते हैं। कैसे, आपने उन कछुओं की कमर देखी होगी, थोड़ी सख्त होती है, और कछुए को वो जो उसकी कमर पे जो सख्त हिस्सा होता है वो उसको कभी भी चोट नहीं लगने देता, उसको नुकसान नहीं पहुंचने देता। हु एवर हर्ड ऑफ सच ए स्टूपिड थिंग, और क्या आपने सबसे एक मूर्ख बात सुनी है। नाउ यू लिजार्ड, यू लिव इन ट्रीज, अब तुम छिपकलियां, तुम ही पेड़ों पर रहोगे। वुड यू एवर ए कैरी ट्री ऑन योर बैक, और क्या, जैसे ये मजाक बना रहा है ये कछुओं का, ये कह रहा है कि क्या छिपकली पेड़ पे रहती है तो क्या पेड़ को अपनी कमर पे साथ रखेंगी। वुड यू, क्या तुम भी ऐसे ही करोगे। स्मॉल फ्राइटेंड वॉइस आंसर टुगेदर, स्मॉल होता है धीरे से, छोटी सी, फ्राइटेंड होता है डरी हुई आवाज, आंसर टुगेदर,
इकट्ठे होकर जवाब दिया, नो वी वुड नॉट, बट उन्होंने कहा नहीं हम तो अपनी कमर पे पेड़ को नहीं रखेंगे, बट लेकिन नो बट नाउ लिसन, उसने फिर मना कर दिया, कोई किंतु परंतु नहीं, अब सुनो, आई हैड टोल्ड द टॉर्टॉइस दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पेम्बुपत्ती, मैंने कछुओं को कह दिया है कि वो पेम्बुपत्ती से चले जाएंगे, व्हेन दे गो, और जब वो जाएंगे, वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग, मोर फूड, और तुम लोगों को उसके बदले बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मोर फूड ज्यादा खाना, मोर वाटर ज्यादा पानी, मोर स्पेस बहुत सारी जगह, के भाई कोई बात नहीं कछुए जा रहे हैं तो जाने दो, जंगल में और ज्यादा जगह हो जाएगी, ज्यादा खाना ज्यादा पानी सब कुछ मिलेगा, आई वॉन्ट देम आउट बाई टुमोरो, और मैं चाहता हूँ कि वो सब कल ही यहाँ से चले जाएं, बट बिकॉज दे आर सच स्लो कोचेस, लेकिन क्या है वो थोड़ा धीरे चलते हैं, स्लो कोचेस हैं, आई हैव गिवन देम 1 वीक, क्या भाई धीरे धीरे जाएंगे तो कोई नहीं, मैं चाहता तो हूँ कि वो कल ही चले जाए, लेकिन मैं उनको 1 सप्ताह का समय दूंगा, बाय नेक्स्ट ट्यूसडे, लेकिन अगले मंगलवार तक वी वुड नॉट हैव ए सिंगल टॉर्टोइस लेफ्ट इन द दिस जंगल, एक भी कछुआ जंगल में नहीं रहना चाहिए, कि भाई सभी चले जाने चाहिए अगले मंगलवार तक, एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे, और अगले मंगलवार को देयर वर ऑल गोन, और जब सब चले जाएंगे, एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड, और फिर जो एनिमल्स है वो उदास हो जाएंगे, बट देन दे रियलाइज, लेकिन उन्हें एहसास हो जाएगा दैट व्हाट मकरा हैड सेड वाज ट्रू, लेकिन जब वो एक बार तो वे उदास होंगे, लेकिन जब बाद में उन्हें पता चलेगा कि हाँ भाई मकरा तो सच कह रहा था, देर वाज मोर फूड, कि अब तो हमारे लिए बहुत ज्यादा खाना है, मोर वाटर, पानी भी बहुत ज्यादा है, और बहुत सारी जगह है हमारे रहने के लिए, बट सून, लेकिन जल्दी ही ए स्ट्रेंज स्मेल बिगेन टू फिल द फॉरेस्ट, लेकिन जल्दी ही जंगल में एक स्मेल होता है, दुर्गंध पूरे जंगल में फैल गई, इट वाज द स्मेल ऑफ रोट, और वो जो स्मेल थी वो किस चीज की थी, सड़न की थी, रोटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड, और जो जमीन पे फल सड़े हुए थे वो जमीन पर पड़े थे, मतलब जमीन पे गिर के सड़ गए थे, रोटिंग एनिमल्स इन द रिवर, और सड़े हुए जानवर थे वो नदियों में पड़े थे, मतलब मर के और सड़ गए थे, दिस वाज व्हाट द टॉर्टोइस यूज्ड टू ईट, और उनको कौन खाता था, कछुए खाते थे, और अब कछुए वहां से चले गए थे, तो इसीलिए जंगल में सड़न हो गई थी, एंड इवन मकरा, और केवल मकरा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लॉज, और अब इतनी सड़न थी जंगल में कि जिसकी वजह से मकरा को भी अपने पंजों से अपने नाक बंद करने पड़ रहे थे कि वो स्मेल सहने लायक नहीं थी, ए मंथ पास्ट बाय, एक महीना गुजर गया, एंड देन द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन, और वो सारी की सारी चीजें दोबारा से होने लगी, बाय दिस टाइम इट वाज द स्नेक, मतलब एक महीना हो गया, अब दोबारा फिर वही वही, पहले कछुए को बाहर निकाल दिया, अब किसकी बारी थी, सांप की बारी थी, मकरा रोट देम वन ऑफ हिज लेटर, मकरा ने एक और पत्र बनाया, देर वाज टू लीव द फॉरेस्ट, एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट दे हैड टू गो इन 1 डे, अब उसने क्या कहा कि मीटिंग होने से पहले 1 महीना बाद मकरा ने अब फिर एक पत्र लिखा सांप सांप के लिए, तुम भी अब जंगल छोड़ के चले जाओ, और तुम तो बहुत तेज चलते हो, तो तुम्हें तो एक दिन में ही जंगल को खाली कर दो, इस जंगल को छोड़ दो, नागा द हेड ऑफ द स्नेक, और जो हेड ऑफ द स्नेक था उन सांप
सांप का जो हेड था उनका मुखिया था, उसका नाम क्या था? नागा प्लेडेड फॉर मी मोर टाइम बट मकरा वुड नॉट गिव इन। उसने कहा भाई, उसने प्लेडेड होता है वकालत करना, उसने कुछ भाई ज्यादा थोड़ा और समय मांगा कि मुझे कुछ और समय दे दो, और मकरा, लेकिन मकरा ने उसको नहीं दिया। एट द मीटिंग, और बैठक में ही साइलेंस्ड द अदर, सब चुप हो गए, द लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल्स विद इवन लाउडर शाउट एंड थ्रेट्स, जो छिपकली और मगरमच्छ है वे जोर से चिल्लाने लगे, और थ्रेट्स होता धमकाना, धमकाने लगे। स्नेक्स आर स्लीमी, जो सांप थे वो बिल्कुल पतले थे, मतलब स्लीमी होता है घिनौना। ही सैड, उसने कहा, दे मेक फनी नॉइस, कि वे बहुत ही मजाकिया आवाज निकाल रहे हैं। हु वांट टू सच वायर्ड क्रिएचर अराउंड, ये अजीब सी आवाजें कौन निकाल रहा है? अगेन, दोबारा, नो वन डेयर्ड टू डिसएग्री विद मकरा, मकरा को असहमति, डिसएग्री होता है असहमत, कि भाई कोई किसी में हिम्मत नहीं थी कि जो यू कहे, जो मकरा की बात ना माने। ये एग्री का अपोजिट वर्ड होता है डिसएग्री, एग्री होता है सहमत और डिसएग्री होता है असहमत। एंड सो द स्नेक लेफ्ट, कोई उसके सामने बोल तो सकता नहीं था, और अब क्या है, सांप भी जंगल छोड़ के चले गए। फॉर वाइल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी बिकॉज दे हैड बीन ए लिटिल अफ्रेड ऑफ स्नेक। के अब क्या है, अब उन्हें क्या लग रहा था भाई, कुछ समय के लिए उन्हें लगा कि भाई अब ये बाकी के जो बच गए हैं वे बहुत खुश होंगे, क्योंकि उन्हें जो बाकी के जानवर थे, उन्हें रेप्टाइल्स थे, उनको सांप का डर था कि सांप उनको मार के खा जाते थे, तो अब उनका डर खत्म हो गया। हेलो बच्चों, आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी है, लेकिन ये स्टोरी अभी पूरी नहीं हुई है। पेज नंबर 33 से लेके पेज नंबर 38 तक हमने स्टोरी पढ़ी है, तो यहाँ तक कि सभी बच्चे इसको दोबारा से पढ़ेंगे, और उसके बाद अगली वीडियो में हम आगे की स्टोरी और एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।